चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले, उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। उल्टी? नहीं नहीं वो बदबू है? अरे तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है मोमो कि रात को ब्रश करके सोया करो। मुझे बाहर से वो आई है। अरे वो क्या यार, मैं कैसे बताऊँ आपको? ये तुम्हारी आवाज क्यों कप कपा रही है? हाँ हाँ आवाज, अभी मुझे बाहर से आवाज आई है। अरे इतनी रात गए, तुम्हें कौन आवाज देगा मोमो? सब घर वाले तो सो रहे हैं आराम से। आवाज मुझे नहीं दी है, मुझे आई है। किसी चीज के गिरने की आवाज आई है मुश्ताक। महमूद? नहीं महमूद के गिरने की नहीं, किसी और चीज की। अरे यार हमारे घर में कौन सी कोई ऐसी कीमती चीज है जो गिरकर टूट गई होगी? सोने दो मोमो। ओए मुझे अभी लान में से किसी के कूदने की आवाज आई है। क्या? हाँ मुझे लगता है कि बाहर से हमारे लॉन में कूदा है। अरे क्या इस एपिसोड में फिर चोर आ गए? पता नहीं। अरे तो जाओ जाके पता करो ना यार। कितने बेशरम है आप, इतनी रात को अपनी जवान जहान हसीन बीवी को चोरों को पता करने भेज रहे हैं, खुद क्यों नहीं जाते? अरे मैं कोई बुजदिल या डरपोक नहीं हूँ मोमो, मैं अभी जाता हूँ। नबील के कमरे में जाकर उसे उठाऊंगा। नबील, नबील बाहर आओ। नबील यार क्या हो गया आपको? महमूद साहब आपने तय कर लिया कि हमें सुकून से सोने नहीं दे रहा आपने? अरे नबील हमारे लॉन में कोई कूदा है यार। तो यार इसमें कौन सी नई बात है, हमारे लॉन में हमें से कोई ना कोई कूदता ही रहता है। पर बेवकूफ अभी हमारे लॉन में कोई कूदता है कौन? अरे हमें क्या पता, हमने कौन सा जाके कोई देखा है। और यार क्या हो गया आप उड़ने लगे हैं यार, और चाहे पहले जाके देखे यार कौन कूदा है। पुत्र मुझे तो लगता है हमारे घर में वो कूदे। वो कौन? वो जो रातों को निकलते हैं अकेला। खूबसूरत? नहीं नहीं खूबसूरत नहीं, वो तो बड़े बदसूरत होते हैं। माँ जी कुत्ते? नहीं नबील कुत्ते तो खूबसूरत भी होते हैं। तुम्हें याद नहीं है मेरी एक दोस्त का खूबसूरत सा कुत्ता बाग से चोरी हो गया था? हाँ याद आया, चोर। मुझे लगता है हमारे घर में चोर को देखिया एक बार फिर चोर। ओ यार महमूद साहब चले यार उन चोरों को जाके बता दें यार, इससे पहले कि हमारा उनका टाइम जाया हो कि हमारे घर में कुछ नहीं है यार। ताकि वो ये सुनते मुझे गोली मारते हैं। ओ यार क्या हो गया महमूद साहब, एक दो गोलियों से कौन सा मर जाना है आपने? अगर बाहर जाएंगे तो सारे साथ जाएंगे, वरना हम अपने कमरे में सोने चलते वो खुद ही अंदर आ जाएंगे। चलें जी। ओ अच्छा यार रुके ना, चलो जानू। नहीं नबील तुम लोग जाओ, मुझे वैसे भी गोली से डर लगता है। चलो फिक्र मत करो, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लूंगा, तुम्हें चाकू से मार देंगे। शट अप नबील। ओके चलो ना, चलो 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 आओ नबील दरवाजा खोलो। ओ यार महमूद साहब आप खोले, मेरे ना राइट हैंड में थोड़ी दर्द है यार। नबील तुम कितने डरपोक हो? जानू पूछ रही हो या बता रही हो मुझे? छोड़े महमूद साहब इसे, आप दरवाजा खोले। अरे नहीं भाई मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, अगर वो लोग मेरे सामने आके खड़े हो गए तो। हटे, आप लोगों से ज्यादा वो तो मैं हूँ। वो क्या? वो जो बहादुर होते। हाँ बहादुर, आप लोगों से ज्यादा बहादुर तो मैं हूँ। मैं जाती हूँ। कहाँ? अपने कमरे में। अरे रुको कहाँ जा रही हो, यही रुको। अगर दरवाजा खोलते ही उन्होंने गोलियाँ चलानी शुरू की ना तो तुम मेरे आगे आ जाना। चुप, दरवाजा खोल। ओ महमूद साहब खोले यार दरवाजा। यार पता नहीं कितने लोग हो बाहर। ओ यार महमूद साहब क्या हो गया आपको, बाहर पार्टी चल रही है यार, दो चार लोग होंगे और कितने होंगे यार। और अगर उनके पास हथियार हुए तो? वो जो उनके पास होंगे वो हथियार होंगे। हाँ जी माँ जी आप प्लीज ना एक काम करें, अंदर से बैठ बैठ ले आए चाय। थैंक यू पुत्र। मोमो जल्दी आ जाना। होशियार महमूद साहब आए, अब आराम से दरवाजा खोले।
पकड़ लिया, मारो जल्दी आओ, मारो जल्दी आए, मारो जल्दी आओ। अच्छा दूसरे को भी मारे, मां जी इधर आए, इधर आए मां जी। अच्छा हां इधर मार, इधर मार, ओ ये चिड़िया, चिड़िया यार ये आप लोग क्या कर रहे हैं? ओ जानू चिड़िया देख रहे हैं। अरे यहीं कहीं इशारा किया था ना। ओहो वो भाग गया यार। क्या? अरे बच गया साला मेरे हाथों। हाँ लेकिन ये तो नहीं बचा ना। साला हमारे घर चोरी करने आया था। यार मामू साहब ये तो हिल मिल ही रहा। अरे डर गया होगा ना तुम्हारी माँ से नबील। ओ महमूद साहब ये डरा नहीं है, मर गया, सांस नहीं ले रहा। क्या? मर गया? हाँ जानू, माँ जी ये आपने क्या कर दिया यार, एक मासूम चोर को मार डाला। हाय हाय, और इसके साथी ने माँ जी को इसका खून करते हुए देख लिया नबील। इसका मतलब है वो माँ जी से अपने साथी के खून का बदला लेने जरूर आएगा। नहीं मुझे बचा ले, मुझे इसके साथी से बचा ले अनवर। महमूद। हाँ मुझे महमूद से बचाओ ले अनवर। साथी से बचा लेंगे तो पुलिस से कौन बचाएगा? अरे मोमो ये तो सीधा सीधा पुलिस केस है। मुझे बचा ले, और अगर आपने मुझे नहीं बचाया तो मैं आपका खून कर दूंगी, समझे? बचाए। हाँ नबील चलो ना इसे उठा के अंदर ले चले। जी, ये क्यों हो गया मेरे हाथों खून हो गया। अरे मोमो आप रो क्यों रही हो, जो होना था वो हो गया। हाँ माँ जी ये तो आपको मारने से पहले सोचना चाहिए था ना, अब क्या हो सकता है। मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी और मुझे खांसी हो जाएगी। खांसी नहीं फांसी। याद मुझे भी था लेकिन मैं वो बोलना नहीं चाह रही थी। यार नबील अब क्या करें? यार महमूद साहब अभी तो मुझे बहुत नींद आ रही है, मेरा ख्याल अभी सोते हैं, सुबह उठ के देखेंगे क्या करना है। क्यों जानू? हाँ नबील मुझे भी नींद आ रही है और सुबह चांदी का स्कूल भी है। चलो जालिमा मेरी जान के बनी है, तुम लोग मुझे छोड़ के जा रहे। हाँ माँ जी बंदा आपने मारा और हमें कह रही है। माँ जी मुझे ये आपकी हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। चलो जानू यार। सोच रहा था क्या कि इस बंदे को कहाँ ठिकाने लगाएं? ठिकाने तो मैं लगाई चुकी हूँ उसको। अरे मेरा मतलब है इस लाश को कहीं छुपाना होगा, कोई इसे देख ना ले। इसे ना बाहर लॉन में दफना देते हैं। हाँ हाँ किसी को पता भी नहीं चलेगा। अरे वो सब बाद में देखेंगे, पहले इसे वॉशरूम ले जाते हैं। इसने वॉशरूम जाना है? अरे नहीं भाई इसको वॉशरूम में छुपा देते हैं। पहले इसको चुके। अरे कमबख्त के गुनाहों का बहुत वजन था यार। बहुत था। थोड़ी देर इधर रेस्ट कर लेते फिर अंदर चले जाएंगे। मेरा ख्याल था कमरे में चल के लेट जाते। चले जाएंगे ना, दो मिनट ठहरो। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी सलीम 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 मुस्तकीम मुस्तकीम। अरे क्या हुआ है मोमो? क्या हो गया माँ जी, क्या हो गया? पुत्र मैं लैट्रीन गई थी अभी तो वहाँ वो नहीं है। वो क्या? ओ यार मैं मुसा पानी खत्म हो गया होगा, जाए जाके टैंक से पानी ला के दे माँ को एक बाल्टी। ओए नहीं नहीं पानी तो है लेकिन वो नहीं है। वो क्या माँ जी? वही जो हमने रात को वॉशरूम में रखा था। ओ यार मैं मुसा रात को आपने वॉशरूम में क्या रखा था भाई? अरे कुछ नहीं यार, हमने तो रात को लाश छुपाई थी वहाँ। हाँ लाश वॉशरूम में? लाश नहीं है क्या? हाँ। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, रात को मैंने खुद उसको कमोड में बिठाया था। ओ देखे मैं मुसा कहीं चूहे ना खा गए हो। कमोड? ओ नहीं माँ जी लाश। हाँ। चलो 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 चलो, 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 चलो।
कहाँ से आ गया? अरे कहाँ से क्या आ गया, यही तो था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। देखा था? नहीं देखा था, मेरा मतलब है देखा था। ओ माँ जी क्या कर रही है यार, मैं मुसा जाए माँ जी को कमरे में लेके जाए यार। चलो जाए, मैं भी चेंज करूँ, दरवाजा बंद करे। चलो चलो, ऐसे ही पता नहीं क्या कर रही है। बदबू आने लगी है यार, बड़ी बदबू है यार। मुझे लगता है माँ जी के जहन पे बहुत गहरा असर हुआ है उस चोर को मारने के बाद। मुझे भी ऐसे लग रहा है जानू। अरे तो हमें क्यों टेंशन दे रही है यार वो? महमूद साहब जब तक वो लाश इस घर में है टेंशन तो रहेगी ना। क्या? मैं तो कहता हूँ महमूद साहब जितनी जल्दी हो सके उस लाश को ठिकाने हमें लगा देना चाहिए। हाँ ना, इससे पहले कि किसी को पता चले हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। यार तुम्हारी माँ किसी मुसीबत में ना फंस जाए। आप सचमुच माँ जी को बचाना चाहते हैं महमूद साहब? हाँ नबील। महमूद साहब इसका सादा और आसान हल ये है कि कत्ल का इल्जाम आप अपने जिम्मे ले लें। हाँ माँ जी भी खुश, हम भी खुश, क्यों जानू। ओके जानू। अरे भाड़ में गई तुम्हारी ये खुशी, मैं इसका इल्जाम अपने सर पे क्यों लूं भाई? फिर तो एक ही हल है महमूद साहब। वो क्या? महमूद साहब हम उस लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके ना कब्र को डाल देते हैं। अरे इससे बेहतर नहीं है कि उसे हम अपने लॉन में दफना दें? ओ यार हमने उसका यहाँ मजार बनाना, जो यहाँ दफनाए उसके। ओ यार जो भी सोचना है जल्दी सोचो, मुझे माँ जी की हालत ठीक नहीं लग रही। किसी की आंख पुकारे करे इशारे, दिल को बांध के रस्सी चलता जा रे चलता जा रे। मोहब्बत आग का दरिया और तू बबल हर, न जाना जल जाएगा प्यार, नहीं ये आग का जल है। हाँ तेरा काम ही है चलते जाना, तेरे सामने आज नहीं है बस तेरा कल है। लेकिन यार बेहोश कैसे हो गई? अरे मुझे लगता है तुम्हारी माँ गिरने की वजह से बेहोश हुई है। तुम सब ये भी तो हो सकता है ना, माँ जी बेहोश होने की वजह से गिरी हो यार। हाँ लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी माँ बेहोश होकर गिरी है या गिरकर बेहोश हुई है? ओ यार क्या फजूल बातें कर रहे हैं आप लोग, कुछ भी हुआ बेहोश ही हुई है ना माँ जी, उठाए इन्हें। मेहमू साहब माँ जी के लिए जल्दी से पानी लेके आए यार। कहाँ से? समंदर से यार। ओ यार बाथरूम से ले आए ना यार। अरे तुम मेरी बीवी को बाथरूम का पानी पिलाओगे? ओ यार पिलाना नहीं है भाई, माँ जी के मुंह पे छिड़कना है यार। वो जो तुमने माँ जी के मुंह पे छिड़कना है वो पानी है? माँ जी और क्या तजाब है, जाए यार। अच्छा यार कुछ चुकते सूझ नहीं है यार, मेरी माँ भी होश है। चलो नबील माँ जी को तो उठाओ यार। उठा माँ जी उठे यार, आराम से आराम से। ओ ले आए यार पानी। ये लो जानो, त्रोका लगाओ माँ जी को त्रोका। मैंने अपनी आंखों से बाहर लाउंज में चलते फिरते देखा है। अरे आंखों से कोई कैसे चल सकता है यार? मैंने उसे खुद चलते हुए देखा है बाहर। ओ माँ जी आप कैसी बातें कर रही हैं यार, मैं सच बोल रही हूँ पुत्र। नबील मुझे लगता है माँ जी को कोई बहुत गहरा सदमा हुआ है। वो जानू ये भी तो हो सकता है ना कि माँ जी ने उस चोर का कत्ल किया है और उस चोर की रूह माँ जी से बदला लेने आ रही हो। नहीं यार नबील, माँ जी तो बार बार डर डर के बेहोश हुए जा रही है। हाँ जानू। यार नबील उस लाश को वॉशरूम से निकाल के कहीं और ठिकाने लगाओ यार, उसके चक्कर में मैं सुबह से वॉशरूम ही नहीं गया। हाँ नबील जब भी वॉशरूम के साथ से गुजरते हैं तो स्मेल आ रही है। ओ यार मरा हुआ आदमी क्या कर सकता है वॉशरूम में? अरे नबील लाश की स्मेल, अगर वो लाश इसी तरह पड़ी रही ना तो कुछ ही देर में पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी यार, और हम सब फंस जाएंगे। क्या? हाँ अरे अब क्या हो गया? वो लाश ना वो फिर सारे घर में घूमती फिर रही है। क्या? हाँ हाँ अभी अभी
अभी वो मेरे कमरे में भी आ गई थी। ओ माँ जी, आपको खुदा का वास्ता, दोबारा बेहोश मत होइएगा। नबील, इससे पहले कि तुम्हारी माँ डर डर के मर जाए यार, उसे कहीं ठिकाने लगाओ। माँ जी को? नहीं भाई, उस लाश को यार। चले महमूद साहब, चल के देखते हैं। चल। माँ जी आप डरे मत, वो गए हैं ना लाश को ठिकाने लगाने। नहीं मैं डर तो नहीं रही हूँ, मुझे तो सर्दी लग रही है। मोहब्बत आग का दरिया और तू बबल हर, न जाना जल जाएगा प्यार, नहीं ये आग का जल है। हाँ, तेरा काम ही है चलते जाना, तेरे सामने आज नहीं है बस तेरा कल है। पैरों को जमाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा, और बबल फुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। ओ चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के। चलो भाई, अब तो ठिकाने लगा दी ना। हाँ महमूद साहब, लेकिन कल सुबह सुबह ना इस लाश को स्टोर से निकाल कर किसी वीराने में छोड़ के आना है। ठीक है नबील, ठीक है, अब थोड़ा रेस्ट करते हैं यार, थकावट सी हो गई। आओ फिर। हाँ जी, आज नबील, क्या बच्चों को तुम सुबह स्कूल छोड़ने जा रहे हो? जानू ऐसा सोचना भी मत। तो फिर अलार्म क्यों लगा रहे हो? जानू अलार्म मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि मैं और महमूद साहब ने सुबह मुंह अंधेरे उठ के लाश को ठिकाने लगाने जाना है। नबील ध्यान से प्लीज, किसी को पता ना चले। जानू तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी माँ को फांसी से बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। नबील के बाहर लाउंज में इस वक्त टीवी कौन देख रहा है यार? यार महमूद साहब होंगे, और कौन हो सकता है इस वक्त? यार मैंने ने कहा भी था कि सुबह जल्दी उठना है, आप सो जाइएगा। चलो यार चल के देखते हैं। अगर तुम दोनों यहाँ हो तो टीवी कौन देख रहा है? हम तो ये समझे कि आप देख रहे हैं। और अगर हम में से कोई नहीं देख रहा तो फिर कौन देख रहा है? चलो देखते हैं, देखते हैं। चलो 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 चलो। हेलो, तुम्हारी माँ सही कह रही थी, उस चोर की रूह हमसे बदला लेने आ गई है। मुझे भी ऐसे लग रहा है मामू साहब, आप ठीक कह रहे हैं। नबील, नबील। जानू तुम्हें हमसे पहले होश आ गई थी। और फिर भी उस रूह ने तुम्हें छोड़ दिया। वो कोई रूह वो नहीं थी महमूद साहब, वो चोर मरा ही नहीं था। क्या क्या? हाँ ड्रामा कर रहा था वो, अलमारी की ड्रॉअर में एक खत छोड़ के गया है। तो क्या यार, दिखाओ इधर। हम लोग आम चोर नहीं है, थोड़े क्रिएटिव चोर हैं, इस तरह की चोरियां करते हैं। तुम्हारे घर का बचा कुचा जेवर और कैश लेके जा रहा हूँ, फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज। महमूद साहब हम एक बार फिर लूट गए यार। चलो नबील, इस मर्तबा जरा अलग तरीके से लूटे हैं। यार नबील, ये सारे बाथरूम की छतों पे सीपेज हो रही है यार। तो मैं क्या करूं भाई? भाई जावेद साहब को फोन करके बोलो कि इन्हें ठीक करवाएं। मैं हूँ जावेद। हाय जावेद मियां दाद। अरे भाई नहीं, जावेद इस घर का मालिक, आप लोगों का मालिक का मकान। इस घर का मालिक तो कोई फियाज है। वो ये घर अपनी बीवी के नाम कर रहे हैं और वो अगले हफ्ते से यहाँ आके रहेगी। क्या मतलब है, हमने इस घर में 300 एपिसोड्स किए हैं, इतनी जल्दी दूसरी लोकेशन कैसे मिलेगी? तुमने कहा था कि तुम मुझे गाड़ी भी गिफ्ट करोगे जेडी। हाँ हाँ दिलाऊंगा ना। और अपनी बीवी को मेरे बारे में कब बताओगे? चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं।
चलता जा कोई आए जा।